हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो मिस गीत। सचिन जी हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून आकाश जी। एक्चुअली रूपा जी, वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव। यस सिद्धू जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। विकास जी हेलो, आकाश जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो माई नेम इज़ मधु एंड आई एम फ्रॉम ओवंस अप इंदौर। आज जो रेसिपी हम अमूल फेसबुक लाइव में बनाने जा रहे हैं, इट्स अ वेरी कॉमन रेसिपी जो हर घर में बनती है, चाहे वो त्यौहार हो या इट कैन बी यू नो जस्ट एक डेजर्ट खाने का मन हो। इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल डिश और हर किसी को ये बनाना आता है, लेकिन आज मैं आपको ऐसे अपने तरीके से बताऊंगी विद अ लिटिल बिट ऑफ ट्विस्ट, जो आप को ये रेसिपी को बिल्कुल चेंज कर देगा और बहुत बहुत डिलीशियस बना देगा। तो आज की हमारी जो रेसिपी है, द नेम इज़ होल व्हीट हलवा, आटे का हलवा या शीरा, जो सबके घर में बनता है। बट टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू सम अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स, एंड ऑल्सो इसमें मैं एक ट्विस्ट बताऊंगी टू गिव इट अ वेरी रिफ्रेशिंग टेस्ट टू दिस हलवा, जिससे ये बहुत ही एक्जॉटिक बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। जया जी यस, गुड आफ्टरनून। राजू जी, इशिता जी, फिरोज जी, चलिए शुरू करते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू, तो मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है, आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं, और बहुत इजी रेसिपी है, पर मैं कुछ आपको इसमें ट्विस्ट बताऊंगी जो आप नॉर्मल आटे का हलवा बनाते हैं उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट बनेगा, पर बहुत ज़्यादा आई गारंटी इट विल बी डिलिशियस। तो मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी अमूल घी। सो अमूल का शुद्ध घी आई एम एडिंग हियर। सो मैं अबाउट मेल्टेड घी का, अगर मैं आपको प्रोपोर्शन बताऊं तो अबाउट मैं डालूंगी हाफ कप मेल्टेड घी का, अगर प्रोपोर्शन बताऊं तो। जो कड़ा प्रसाद बनता है, गुरुद्वारों में सर्व किया जाता है, उसमें तो घी बहुत होता है, तभी वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो आज हम उतना घी तो नहीं डालने वाले हैं इसमें, बिकॉज़ घर में बना रहे हैं, एंड थोड़ा सा हेल्दी वर्जन भी ये लगे तो अच्छा लगेगा। तो ये जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा, सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें इलायची पाउडर। ओके, मैं अपने तरीके से आपको बता रही हूँ, यू कैन फॉलो दिस। सो यूजुअली इलायची पाउडर बाद में डाला जाता है, बट आई वुड सजेस्ट आप इलायची पाउडर इस पॉइंट पे डालिए। सो टू बिग पिंचेस ऑफ इलायची पाउडर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। हल्का सा जब ये गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे एक ट्विस्ट, चाय का मसाला। हम सबके घर में चाय का मसाला अवेलेबल होता है, आपके घर में नहीं अवेलेबल है तो इट्स ओके, यू कैन जस्ट स्किप इट। सो वन बिग पिंच ऑफ चाय मसाला, आप देखेंगे ये एक हल्के से पिंच डालने से आपकी रेसिपी का टेस्ट बिल्कुल बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसे हम हल्का सा गर्म होने देंगे और अब हम इसमें डालेंगे केसर के कुछ स्ट्रैंड्स। यूजुअली लोग केसर, इलायची या कोई भी स्पाइस बाद में डालते हैं, बट आई प्रेफर कि केसर और इलायची गर्म घी में डाला जाए। आप इस तरह से बना के देखिए, हलवे का टेस्ट ऑल टुगेदर नेक्स्ट लेवल हो जाएगा एंड बहुत बहुत डिलीशियस लगेगा एंड एक्सोटिक फ्लेवर आएगी। तो जैसे ही ये हमारे स्ट्रैंड्स थोड़े से इसमें मिक्सअप हो जाए, अच्छी तरह से गर्म हो जाए, मैं फ्लेम बढ़ा देती हूँ। सॉरी आई एम कॉफिंग अ बिट जस्ट अंडर द वेदर। आई थिंक अभी ये मौसम ऐसा है, कई लोगों को वायरल हो रहा है या यू नो बुखार है, सर्दी खांसी है, तो आटे का हलवा कैन बी अ गुड एनर्जी बूस्टर एंड यू नो मेंटली भी आपको अच्छा लगेगा, कंफर्ट फूड है। अब मैं डालूंगी इसमें एक कप होल व्हीट आटा, वन कप ऑफ होल व्हीट आटा, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सो जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है, माय नेम इज़ मधु नाहटा और मैं ओवंस अप इंदौर से हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, ओवंस अप बाय मधु।
for some delicious and simple recipes. जो usually उन्हीं ingredients से बनेगी जो घर में available हो, आपको उसके लिए कोई extra effort नहीं करना पड़ेगा. आज हम बना रहे हैं whole wheat आटा का हलवा. इसे अच्छी तरह से सेकेंगे. जब ये सिक जाएगा हम इसमें डालेंगे एक चम्मच और घी आफ्टर 2 मिनट्स. आप चाहें तो इसमें नट्स डाल सकते हैं, बट आई थिंक जो आटे का हलवा होता है उसमें ये जो रेजिन्स और काजू रहते हैं इनका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आता है. आई थिंक द बेस्ट टेस्ट, बेस्ट ड्राई फ्रूट दैट गोज विद आटे का हलवा इज़ बादाम. वो भी आप एंड में डालें. अब देखिए हमारा ये जो आटा है ये सिकने लगा है, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने लगा है. मैं आपको पास से दिखाती हूँ. इस पॉइंट पे हम डालेंगे एक चम्मच और घी. ओके, बाद में घी डालने से क्या होगा है, इसका जो टेक्सचर है ये बहुत ही अच्छा बनेगा और आपको बहुत ज़्यादा घी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इस पॉइंट पे हम डालेंगे एक चम्मच और घी जिससे कि बहुत ही मुलायम बनेगा हमारा ये आटे का हलवा. आप इस रेसिपी को इस तरह से ज़रूर ट्राई करके देखें, आप खुद बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बन गया है और टेक्सचर इज जस्ट माइंड ब्लोइंग. इसे हमें उस लेवल तक सेकना है जब तक कि इसका एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, उस लेवल तक हमें इसे करना है. ऐसी खुशबू होनी चाहिए कि घर में सभी को पता लग जाए, नेबर्स को भी पता लग जाए कि हाँ शायद कहीं पे हलवा बन रहा है. और थोड़ा सा हम करेंगे इसको, देखिए मिस गीत थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सचिन जी थैंक्स, एंड दीपा जी, अरुण जी, कोमल जी, प्रेरणा जी जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है. मेरा नाम मधु है और मैं ओवन्स अप इंदौर से हूँ. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम ओवन्स अप बाय मधु. अब देखिए ये हमारा ऑलमोस्ट, अगर आप इस लेवल पे जब हम रोस्ट कर रहे हैं आटे को विद घी, अगर आप अभी ही अच्छी तरह से इसको रोस्ट कर लेंगे तो आगे की प्रोसेस बहुत कम हो जाएगी, अदरवाइज आपको बहुत देर इसको पकाना पड़ता है. तो आई थिंक ये हमारा ऑलमोस्ट रोस्ट हो चुका है. मैं पास से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए. और इसमें सारे फ्लेवर्स अच्छी तरह से एमलगमेट हो गए हैं. अब इस मोमेंट पे हम डालेंगे इसमें वाटर. आप चाहें तो गर्म पानी भी डाल सकते हैं, बट इट डजेंट रियली मेक अ बिग डिफरेंस. तो मैं रेगुलर रूम टेम्परेचर वाटर, मेरे घर में मटके का पानी पिया जाता है तो मैं वो ही डालूंगी. तो अगर 1 कप मैंने आटा लिया है तो मैं अबाउट 1.5 कप ऑफ वाटर डालूंगी और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे. आप चाहें तो मल्टीग्रेन आटा से भी ये हलवा बना सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल. इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए. विल सी अगर हमें और पानी ऐड करने की ज़रूरत है. अगर आप इसको शीरा के फॉर्म में बनाना चाहते हैं, शीरा की कंसिस्टेंसी काफ़ी फ्लोई होती है, तो आप इसमें ज़्यादा पानी डालिए. ये देखिए थोड़ा सा और मैं पानी डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा. सो दिस विल मेक अबाउट
टू कप्स ऑफ वाटर, टू 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 एंड हाफ कप्स. आप अपने आटे पे डिपेंडेंस देखिए, कंसिस्टेंसी आप किस तरह की रखना चाहते हैं उस पे आप डिसाइड करिए कि कितना आपको पानी डालना है. तो इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसे अब हम ढक देंगे. इसे हम ढक देंगे. जब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लाइट हो जाएगी फिर से, लाइक ये थोड़ा सा फ्लोई हो जाएगा शुगर ऐड करने से. जब तक ये स्टीम हो रहा है, लेट मी टॉक टू यू गाइस. ओके, सो प्रेरणा जी, कोमल जी, बालकृष्ण जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग. दीपक जी, राकेश जी, मिस गीत, फिरोज जी, इशिता जी, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए. तो अभी तक हमने लिया घी, अमूल घी, उसमें हमने डाला इलायची, बिल्कुल हल्का सा हमने डाला चाय मसाला एंड केसर. जब वो अच्छी तरह से पक गए जस्ट फॉर अ मिनट, तब हमने डाला 1 कप ऑफ आटा, उसे भून लिया और फिर 1 चम्मच घी और डाला भूनने के बाद. फिर मिक्स किया और ऑलमोस्ट डबल टू ट्रिपल क्वांटिटी ऑफ आटा मैंने इसमें डाला है वाटर. ओके, तो वाटर आप रेगुलर टेम्परेचर का वाटर डाल सकते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको गर्म पानी डालना है इसमें. सो ये हमारा ऑलमोस्ट पक रहा है. लेट्स जस्ट चेक, जो स्टीम का वाटर है आप इसमें डाल सकते हैं. देखिए बहुत ही सॉफ्ट सी कंसिस्टेंसी इसकी बन रही है एंड द रीज़न इज़ हमने बाद में 1 चम्मच घी डाला था, ये रीज़न है इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की. देखिए कितना ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक एन ASMR एक्टिविटी, यू नो, बहुत ही सूदिंग लग रहा है देखने में अभी से. तो इसे हम फॉर अ मिनट और इसको हम पकाएंगे ढक के. हल्की सी मैं फ्लेम बढ़ाती हूँ बिकॉज इट्स अ लाइव शो, हम बहुत देर तक इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते. बट अगर आपने आटा अच्छी तरह से रोस्ट किया है तो आपको ये प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. अगर आप आटा जल्दी जल्दी रोस्ट कर देंगे और प्रॉपर बड़ी फ्लेम पे, यानी गैस का फ्लेम हाई रख के करेंगे, तो कलर तो आप अचीव कर लेंगे उसका, लेकिन वो एक्चुअली सिकेगा नहीं अच्छी तरह से और फिर आगे हलवा कच्चा लगेगा. तो मेन पार्ट आटे का हलवा बनाने में होता है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट इज़ रोस्टिंग द आटा. अगर आप उसमें अच्छी तरह से टाइम दे देंगे, कम फ्लेम पे, धीमे फ्लेम पे अगर आप उसको सेकेंगे घी के साथ और फिर 1 टीस्पून अमूल घी और ऐड करेंगे, तो यू विल अचीव द परफेक्ट कंसिस्टेंसी एंड टेस्ट. एक बार और इसे हिला लेते हैं. यू कैन पुट द स्टीम वाटर अगेन इन साइड. ये देखिए बहुत ही शानदार बन रहा है हमारा ये आटे का हलवा. ढकने से ये होता है कि ये पक जाता है अच्छी तरह से और आपको इसको बहुत हिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इवनली पक जाता है. इस तरह से आप इसमें इंडेंटेशंस बना दीजिए तो बहुत ही अच्छी तरह से इसकी कुकिंग हो जाएगी. फिर ढक देते हैं. जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, वी आर मेकिंग आटे का हलवा. चलिए अब डालते हैं शुगर. सो मैं अबाउट 3/4 कप शुगर इसमें डालूंगी, नॉट 3/4 बट मे बी जस्ट से हाफ, 1/4 to 1/2 के बीच में. आपके घर में जैसा मीठा खाया जाता है आप उस हिसाब से डालिए. सो बट आई वुड रिकमेंड एटलीस्ट पुटिंग समवेयर क्लोज टू 1/2 कप. मिक्स करेंगे.
देखिए थोड़ी सी और मैं शुगर डालूंगी, सो दिस विल रीच ऑलमोस्ट हाफ कप. तो एग्जैक्टली मैंने हाफ कप शुगर डाल दिया है, यानी जितना आता है उसकी आधी शुगर आप डालो और उसका 1/4 आप घी लो. ओके, सो द प्रपोर्शन फॉर घी आटा एंड शुगर गोज लाइक, घी 1/4 है, आटा फुल है और हाफ कप इज शक्कर. मिक्स कर देंगे. बिल्कुल डार्क ब्राउन सा कलर आ रहा है इसका, जैसे कि हम गुरुद्वारे में खाते हैं. एग्जैक्टली वो रेसिपी तो नहीं है लेकिन कलर बिल्कुल वैसा अचीव हो रहा है. शक्कर डालने के बाद आप जितना पकाएंगे उतना डार्क कलर आएगा, बिकॉज शुगर कैरेमलाइज होती है, उसका कलर चेंज होता है. अब हम इससे फिर से ढक देंगे, स्प्रेड कर दीजिए और ढक दीजिए फॉर 2 to 3 minutes. तो आज आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा आटे का हलवा, द वे आई टोल्ड यू. स्पाइसेस मैंने इसमें डाले हैं, कार्डमम डाला है और केसर डाला है, और मैंने इसमें डाला है हल्का सा चाय का मसाला. बट इफ़ यू प्रेफर, इफ़ यू डोंट हैव यू कैन स्किप इट. चलिए मिक्स कर लेते हैं इसको. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई डोंट थिंक इट्स एन ईजी रेसिपी, बट अगर क्वेश्चंस हैं तो मैं लाइव शो के बाद उन्हें आंसर कर दूंगी. यू कैन शेयर दिस रेसिपी ऑन योर पेज और इन योर ग्रुप्स एटसेट्रा. आप फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, ओवन्स अप बाय मधु, OVENSUP, ओवन्स अप बाय मधु. सो आवर आटे का हलवा इज ऑलमोस्ट डन. एक बार लास्ट टाइम ऐसे 1 मिनट के लिए ढक देते हैं. और फिर इसको सर्व करेंगे. जैसा कि मैंने बोला, इसके साथ काजू या रेजन्स का टेस्ट बहुत अच्छा नहीं जाता है, बट आपको पसंद है तो आप ड्राई रोस्ट करके या घी में फ्राई करके डाल सकते हैं. गेट विथ बादाम मोर. तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं. ये रेडी हो गया है. वाओ, लुक्स जस्ट अमेजिंग. चलिए अब इसको सर्व करते हैं. एक बोल ले लिया है मैंने. आप चाहें तो इसको सेट करके उल्टा भी कर सकते हैं. इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़े से बादाम के स्लिवर्स, नॉट मच. और ये तैयार है हमारा होल व्हीट आटे का हलवा. बहुत ही डिलिशियस एंड सुपर ईजी कम्फर्ट फूड. सो हियर इज आवर टुडेज रेसिपी. आई होप यू लाइक इट. सो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा. एंड आई सी यू अगेन सून विद अ न्यू रेसिपी. थैंक यू. थैंक्स अ मोर.